प्रिय छात्रों, आज हम फ्यूचर के संबंध में बताने जा रहे हैं। अभी तक तो प्रेजेंट और पास्ट हुआ है, इसके बाद सेंटेंस फॉर्मेशन होने के बाद ही ये नरेशन, वॉइस, डिटर्मिनल्स, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, कनेक्टर या सेंटेक्स का होना आवश्यक है। जैसे सेंटेंस फॉर्मेशन होगा तभी उसका यूज होगा, तो ये हम कर लेते हैं, उसके बाद ये शुरू करेंगे, ताकि कमीशन के विद्यार्थी को जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम देना चाहते हैं या देने के तमन्ना रखते हैं, और हम भी चाहते हैं उन सब विद्यार्थी को फायदा मिले, ये सेंटेंस फॉर्म करने के बाद हम इसको इसकी ओर जाएंगे। तो चलिए, आज हम फ्यूचर के संबंध में फ्यूचर इंडेफिनिट को डील करने जा रहा हूँ। फ्यूचर इंडेफिनिट में HV का प्रयोग होता है, जबकि प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट में वर्ब वाले वाक्य में HV, ERM या वाज वर्ब का प्रयोग नहीं हुआ। लेकिन फ्यूचर इंडेफिनिट में शैल विल का प्रयोग होता है। इसका पहचान है वाक्य में क्रिया के साथ गागेगी, फ्यूचर टेंस, फ्यूचर इंडेफिनिट, वाक्य में क्रिया के साथ गा गे गी लगा रहने पर वाक्य फ्यूचर इंडेफिनिट समझा जाता है। आज मैं बाजार जाऊंगा, ये गा लग गया ये जाना में, इसलिए फ्यूचर इंडेफिनिट हुआ। ये हमें पहचान में अन्य टेंस के तरह इसमें कोई दिक्कत है ही नहीं। इसका HV होता है शैल और विल। शैल का प्रयोग फर्स्ट पर्सन के साथ किया जाता है, बाकी के पर्सन और नंबर के साथ विल का प्रयोग होता है। यह है हम अपने किस भाव को व्यक्त करना चाहते हैं, व्हाट आई वांट टू से, आई वांट टू एक्सप्रेस माय व्यूज। तो इस प्रकार से हम शैल का विल का प्रयोग करते हैं। लोग तो कहते हैं, कभी सुनने में आता है, लोग कह देते हैं कि शैल का प्रयोग होता ही नहीं है आजकल, लेकिन ये गलत है। अगर हम ऐसा शैल को ओमिट करके चलें तो इस प्रकार के व्यू को हम कैसे प्रयोग कर सकते हैं। इसलिए ये मत समझें कि शैल का प्रयोग होता ही नहीं है। हाँ, शैल का प्रयोग नहीं होता इसलिए कि अक्सर हम डिटरमाइंड होकर कुछ काम करते हैं, इसलिए शैल के बदले विल लगा देते हैं, शैल का प्रयोग ही नहीं करते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि शैल का प्रयोग होता ही नहीं है। अगर हम ये ध्यान हटा लेंगे शैल का प्रयोग नहीं होता, तो ऐसे ऐसे एक्सप्रेशन आप एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं। अब इसके हम प्लेसिंग को देखें। एक नंबर में लिखते हैं सब्जेक्ट, दूसरे में HV, शैल, विल पर्सन नंबर के मुताबिक, और तीसरे में PV फर्स्ट, और जरूरत पड़ने पर चौथे में ऑब्जेक्ट। जैसे इसमें अभी मैंने लिखा एक सब्जेक्ट, दूसरा HV, तीसरा PV, चौथा बाजार और एडवर्ब हुआ 5। इस हिसाब से उसको हम लिखेंगे, बनाएंगे। आई शैल गो टू मार्केट टुडे। इस तरह नंबरिंग को हमको ध्यान में रखने की जरूरत है, ताकि सेंटेंस फॉर्मेशन में दिक्कत ना हो और अर्थ जो हम कहना चाहते हैं वो स्पष्ट हो। छात्र अपना पाठ याद करेंगे, स्टूडेंट्स विल, प्लूरल है इसलिए विल लर्न देयर लेसन। इन सब पर ध्यान देने की जरूरत है, ये प्लूरल है इसलिए यहां पर आ गया देयर, लेकिन ये सिंगुलर रहता स्टूडेंट्स के बदले स्टूडेंट रहता तब हो जाता हिज। इस सब पर में ध्यान देने की बहुत जरूरत है,
ताकि हम जो कहना चाहते हैं वो क्लियर हो जाए और मिस्टेक ना हो, गलती को पहचानने में दिक्कत ना हो, ये सब जरूरी, इस पर में ध्यान देने की जरूरत है। अब इसमें एक कुछ स्पेशल चीज है जो हमको ध्यान देने की जरूरत है, जैसे डिटर्मिनल्स, डिटर्मिनेशन, थ्रेटनिंग, कमांड एंड प्रॉमिस। ये हुआ दृढ़ता, ये हुआ चेतावनी, ये हुआ आज्ञा आदेश, आदेश, ये हुआ प्रतिज्ञा। इन भावनाओं को व्यक्त करने के लिए हमें शैल के बदले विल, विल के बदले शैल का प्रयोग करते हैं, सो दैट यू कुड एक्सप्रेस आवर व्यूज। जैसे मैं वहां जाऊंगा ही, ये ही देने का मतलब हुआ डिटरमाइंड हो गए कि बारिश हो, तूफान हो, आग बरसे, चाहे कुछ भी हो, मैं जाऊंगा ही। तो एक डिटरमिनेशन हुआ, हमें ये काम करना ही है, करूंगा ही। ऐसी स्थिति में हम आई के साथ, फर्स्ट पर्सन के साथ तो शैल का प्रयोग करते हैं, लेकिन जब हम डिटर्मिनेशन के भाव को स्पष्ट करना चाहते हैं तब हम शैल के बदले विल करते हैं, विल के बदले शैल करते हैं। इस तरह यहां हो जाएगा शैल के बदले विल, आई विल गो देयर। विल लग गया, इसका मतलब आई एम कंपेल्ड टू डू, आई एम कंपेल्ड टू गो देयर, मतलब हम किसी भी सूरत से जाएंगे ही। अगर हम यहां शैल लगा दें, इसका मतलब फ्यूचर का इंडिकेट हुआ कि हम जाएंगे वहां। विल लगा देने से वह डिटरमाइंड है कि हमको जाना ही है, जाएंगे ही किसी भी सूरत से। ये इस प्रकार के भाव को स्पष्ट करने के लिए शैल के बदले विल, विल के बदले शैल। जैसे एक उदाहरण थर्ड पर्सन के लिए ले लीजिए, पवन उसे मारेगा ही, यानी चेतावनी हो गया। तब पवन, ये तो लगना चाहिए विल, इसलिए कि थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, लेकिन यहां लग जाएगा पवन शैल बीट हिम। अब आ जाइए इसके स्पेशल रूल्स नेक्स्ट। यदि इस प्रकार के वाक्य में काम करने वाला कर्ता नहीं रहता है तो हम शैल के बाद बी लगा करके क्रिया का थर्ड फॉर्म करते हैं, इसलिए कि जब ऑब्जेक्ट से वाक्य शुरू होता है ऐसी स्थिति में तो क्रिया का थर्ड फॉर्म ही आता है, लेकिन शैल और विल के बाद तो थर्ड फॉर्म होता नहीं है, इसलिए वहां बी लगाने, शैल विल के बाद बी लगाना आवश्यक होता है। जैसे अब गणित पढ़ाए जाएंगे, इसे पढ़ाने वाला है नहीं, गणित को हम सब्जेक्ट के रूप में लिए हैं, जबकि गणित है ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट से वक्त शुरू हो गया, इसलिए इसके साथ हम हेल्पिंग वर्ब लगा करके बी देंगे और थर्ड फॉर्म देंगे। जैसे मैथ विल टीच, अगर हम कर दें तो ये सेंटेंस गलत होगा, इसलिए कि इसमें सब्जेक्ट तो है नहीं, इसलिए यहां लगाना पड़ेगा बी और इसको लगा देना पड़ेगा टॉट। इसलिए कि हम जानते हैं कि इस ऑब्जेक्ट से वाक्य शुरू होने पर किसी भी सेंटेंस में थर्ड फॉर्म वर्ब का प्रयोग होता है और विल के बाद थर्ड फॉर्म होता नहीं है, इसीलिए यहां हम लगा देंगे बी। इस प्रकार हमको यह ध्यान में रखना है। एक बार फिर से, इस प्रकार के सेंटेंस हम बहुत बनाते हैं, डेली यूज में भी करते हैं, या कुछ हम एग्जाम में लिखते हैं, नोटिस, रिपोर्ट, लेटर, आर्टिकल या क्वेश्चन आंसर, उसमें इसका प्रयोग अक्सर होता ही है और करना भी चाहिए, इसलिए कि अपना एक्सप्रेशन होता है। इसलिए हम वो ध्यान में रखेंगे कि शैल विल के बाद बी लगा करके क्रिया का थर्ड फॉर्म देंगे। अब इसके निगेटिव में आ जाइए। निगेटिव में हमें मालूम है कि एच वी के बाद नोट लगता है, यहां एच वी है शैल विल, इसलिए इसके साथ हम नोट लगाएंगे शैल विल के बाद नॉट लगता है।
जैसे ही विल नॉट डू हिज वर्क, दे विल नॉट सेल हिज कार। इस प्रकार इंट्रोगेटिव में यदि हमको बनाना है तो इंट्रोगेटिव में बनाने के लिए ये भी हम जानते हैं पहले से कि शैल एच वी का प्रयोग हम कर्ता से पहले करते हैं यदि प्रश्न का उत्तर हाँ या ना में होता है। जैसे क्या वह अपना कार बेचेगा तो यहां होगा विल ही सेल हिज कार, एच वी का प्रयोग कर्ता से पहले किया जाता है। प्रश्न का उत्तर हाँ या ना होने पर shall you go there? Will he sell his car? अगर प्रश्न का उत्तर हाँ या ना में नहीं होता है तब हम डब्ल्यू एच फैमिली का प्रयोग हम करता हेल्पिंग वर्ब से पहले करते हैं। जैसे क्या वह बाजार जाएगा, इसका हो जाएगा इसका उत्तर हाँ या ना में तो होता नहीं है इसलिए पहले आ जाएगा विल ही गो टू मार्केट, क्या वह बाजार जाएगा। अगर हम कहते हैं वह बाजार क्यों जाएगा तब होगा व्हाई विल ही गो टू मार्केट, वे बाजार में क्या खरीदेंगे, इसका उत्तर तो हाँ नाम होता नहीं है, इसका हो जाएगा वे बाजार में क्या खरीदेंगे, व्हाट विल दे बाय इन द मार्केट। साइन ऑफ इंट्रोगेशन। अगर इसी प्रकार के वाक्य में, इस प्रकार के वाक्य में भी ऑब्जेक्ट है करता है ही नहीं तब क्या करेंगे, सेम चीज रूल तो सेम हो जाएगा लेकिन ऑब्जेक्ट से वाक्य शुरू होगा, क्रिया का थर्ड फॉर्म हो जाएगा। जैसे क्या कार बेचा जाएगा, क्या कार बेचा जाएगा, इसका हो जाएगा विल द कार बी सोल्ड, विल द कार बी सोल्ड, क्या कार बेचा जाएगा। इस प्रकार इंट्रोगेटिव निगेटिव और ऑब्जेक्टिव इंट्रोगेशन को ध्यान में रखने की जरूरत है, इसलिए कि इस प्रकार के वाक्य हम डेली व्यवहारिक रूप में भी करते हैं और एग्जाम में भी करेक्शन मिसिंग एडिटिंग में पूछा जाता है।